हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 1, रियल नंबर नाम है चैप्टर का और एक्सरसाइज है ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के कई पार्टों के अंदर से ये 3 पार्ट्स और है। और शायद मुझसे लिखने में गलती हो गई क्योंकि लैपटॉप में से देख रहा था, तो गलती हो जाती है, गलती आदमी तो गलतियों का पुतला है। तो उसमें जो थर्ड क्वेश्चन था मैंने वो फोर्थ वाला लिख दिया था, मतलब जो हम उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था वो फोर्थ क्वेश्चन था, मैंने थर्ड नंबर दिया। तो वो जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ फोर्थ नंबर दे रखा है मैंने, ये वाला था। और इस तरीके से हम आगे के अब क्वेश्चंस करेंगे जो नज़र आ रहे हैं, बाकी के फिर बाद में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या चीज़ है हमें पता करना है कि कैसे जो डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग पता लग जाता है, लेकिन विदाउट डिवीजन किए हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके बारे में मैंने इंट्रो पहले दिया है पहले वाले वीडियो में, पहला 1 मिनट 2 मिनट इसके लिए ही आप वो इंट्रो देखिएगा। अब उसके बाद डायरेक्टली अब इसको करने जा रहे हैं हम कि ये कैसे करेंगे, कि ये टर्मिनेटिंग है, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है विदाउट एक्चुअली डूइंग इट डिवीजन। तो फोर्थ पार्ट है वो है 64/455। पहले तो ये देखते हैं ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में है, कुछ कट नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो 455 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आने वाली है, 2 की टेबल में तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। 3 की टेबल में देखते हैं 4 और 5 9 9 5 14 14, 3 की टेबल में डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5 5, लास्ट में इसके 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से करें 5 9 जा 45 5 1 जा, फिर 5 अब लास्ट में इसके 1 आ गया, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होएगा। और पहले अगर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो ये अब भी 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 और 3 को हम ट्राई नहीं करेंगे। 5 भी नहीं हो रहा, 5 के बाद नेक्स्ट आता है 7, 13 7 जा 91, आपको पता ही है 7 13 जार, तो 13 1 जार, 13 7 जा 91 होता है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64/5 × 7 × 13, राइट। अब इसको अगर हम करें तो इसका अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन विदाउट डूइंग एक्चुअली द लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसका आंसर निकाल सकते, आंसर क्या निकालेंगे, मतलब इसका आंसर ये होगा कि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। तो ये हुआ अबव कह लीजिए या फिर ये ले लेते 64/455 इज अ या हैज अ, हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट उसमें है 29/343, 343 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो क्या आती है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये लास्ट में इसके 3 है, ओड नंबर, 3 से करके देखें 3 4 7 7 3 10, सबको सम करें 10 आ रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3 के बाद आती है बारी 5 की, लास्ट में इसके 3 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 की डिविजिबल होने के लिए उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 5 के बाद आई बारी 7 की, 7 से देखते हैं 7 4 जा 28 28 बचा 6 7 9 जा 63, 7 से ये अगेन हो रहा है और इसके लिए क्या आया 343, 29/7 3। अब इसके डिवीजन के अंदर 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है क्लियरली, इसके लिए हमें ये लिखना है कि 29/343 और उसके बाद जो ये वाली जो चीज़ है ये लिख देंगे हम, हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स,
अब ये 5 पार्ट्स हो गए, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए अच्छे से। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना होगा। लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए करते हैं अब आगे के पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट है 6th। इसमें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके डिवाइड में प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही हुई है। तो क्लियरली ये चीज़ लिखेंगे, लिख देंगे कि 23 अपॉन में 2^3 मल्टीप्लाई 5^2 या अबव रैशनल नंबर लिख सकते हैं इसकी जगह, हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बाकी के पार्ट्स है वो करते हैं। अब आगे के पार्ट्स देखें तो 7th में 129 अपॉन में 2^2 5^7 7^5। अब ठीक है, इसमें भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हमें मतलब इसके डेनोमिनेटर के अंदर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की करी कराई मिली हुई है, हमारे फेवर में है, 2 की पावर है यहाँ पर, ओके 5 की है, ओके। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 आ जाता है, 7 की पावर 5 है। तो अगर एक भी 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो वही चीज़ हम जो है यहाँ पे लिख देंगे कि दिस हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो चीज़ अब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 8th पार्ट 6/15। अच्छा चलिए अब इसको हम कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3 × 5। अब आप ये देखेंगे कि 3 और 5, इसमें तो 3 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन नहीं, हमारी बात हुई थी कि वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कुछ और डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऊपर नीचे कुछ कटता ना हो, लेकिन यहाँ कट रहा है तो पहले काटते हैं। 3 × 1 = 3 × 2 = 2, तो ये हुआ 2/5। तो डेनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसके लिए हम लिख देंगे ये ऊपर वाली लाइन। ठीक है, फिर है 9th पार्ट 35 अपॉन में 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर भी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, कट रहा है। 2 की टेबल में काटे तो ये आ गया 15, 5 से काटे तो ये आ गया 3, तो ये बना 3/5। तो इसके डेनोमिनेटर में भी सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए भी यही वाली लाइन है आ जाएगी, तो ये वाली लाइन जरूर नीचे लिख दीजिएगा। आप ये लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या आप एक पूरे सेंटेंस के रूप में लिख दीजिए या फ्रेज के रूप में लिखेंगे आप, ओके। अब 10th एंड लास्ट पार्ट यहाँ है 2^7 77, यहाँ में मुझसे गलती होगी शायद, 77 है डेनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 77 अपॉन में 10th पार्ट 77 अपॉन में 210। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 210 की क्या होगी, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 0 जार 2 5 जार, लास्ट में अब ये ऑड नंबर आया 2 से नहीं जाएगा,
सबको प्लस करें, 1 + 0 1 + 5 6 3 के टेबल में डिवाइड होता है तो ये पूरा भी होगा। 3 से किया 3 2 10 3 3 9 सॉरी और 3 5 15। अब क्लियरली लास्ट में 5 है इसके, 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं जाता तो ये भी नहीं जाएगा। अब 5 से डिवाइड करें, 5 7 7 1 2 3 5 7 2 × 3 × 5 × 7। अब क्योंकि 7 का मल्टीपल ये है तो ये कट रहा है, 7 से 11 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 11 बाय में 2 × 3 × 5। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो वो लाइन आप लिख देंगे, ठीक है। क्लियरली दिस ये नंबर लिख देंगे 77/210 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने ये ख़त्म कर लिया, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस दिस सम, और फिर हम, हो सकता है मैं ये कल बनाऊँ या आज बनाऊँ या आगे कभी, तो फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो।